आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन का। SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है? S का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन, N का फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का फुल फॉर्म यूनिमोलिक्यूलर, इसका मतलब होता है एक। SN1 रिएक्शन होता क्या है? SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है केवल एक सबस्ट्रेट पे, उसको हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को समझने के लिए हम एक रिएक्शन को लिखते हैं, जैसे कि अल्काइल हैलाइड को CH3 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 Cl प्लस ये हमारा न्यूक्लियोफाइल OH। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा, CH3 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 OH प्लस Cl माइनस। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वह Cl के साथ अटैक होके Cl को अपनी जगह से हटा के वह उसका जगह खुद ले लेता है और यहाँ पर फॉर्म करता है CH3 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 और OH। इस पूरा रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो मेरा ये अल्काइल हैलाइड है वो अल्काइल हैलाइड है कि पूरा रिएक्शन इसी पे डिपेंड करता है। जो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वह कि केवल इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन। जिसमें केवल एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड हो उसी को हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट क्यों? क्योंकि टर्सरी 3 कार्बन, और यहाँ ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है, इसीलिए क्लोराइड, क्लोराइड के लिए। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। अब SN1 का मैकेनिज्म पर ध्यान देंगे। पहले हम लोग जानेंगे मैकेनिज्म होता क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टेप वाइज लिखना उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं ट्यूटोरियल जाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और ट्यूटोरियल पहुंच गए। इसके बीच में आपको बहुत सारे स्टेप करने पड़ते हैं, जैसे सुबह उठे, मुँह धोए, कुछ खाए पिए, उसके बाद ऑटो या बस के सारे ट्यूटोरियल पहुँचे। इस प्रकार आपको बीच में बहुत सारे स्टेप करने पड़े, उसी स्टेप को मैकेनिज्म कहते हैं। उसी तरह से किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म करने के लिए उसको हम लोग अंदर से तोड़ना पड़ता है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना पड़ता है। जैसे कि मेरा यहाँ रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड CH3 CH3 Cl प्लस OH। यहाँ जो मेरा OH न्यूक्लियोफाइल है यहाँ ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारा क्राउडिंग है, इधर भी CH3, यहाँ Cl, यहाँ CH3, यहाँ CH3, जिस कारण से ये OH डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। और अटैक तो कर पाएगा लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। इसको अटैक करने के लिए पहले हमको इसको हीट करना पड़ेगा, तो आइए हीट करते हैं। स्टेप 1 में इसी को हम लोग लिखते हैं। पहले जो अल्काइल हैलाइड है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, उसको हम लोग हीट कराएंगे। हीट कराने पे होगा क्या? हीट जो मेरा Cl होगा वो बाहर आ जाएगा और एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्म कर देगा। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्म कर दिया, तो ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 हम आते हैं। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि ये जो मेरा स्टेबल कार्बोकेटाइन एटम है CH3 CH3
यह न्यूक्लियोफाइल OH के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि यह जो रिएक्शन होगा ना तो ये इस साइड से टक्कर पाएगा ना इस साइड से ना इस साइड से, काहे क्योंकि यह बहुत बल्की है। बल्की है मतलब कि यह इस तरह से नहीं अटैक कर पाएगा। इसका दो ही ऑप्शन है, या तो ये ऊपर से अटैक करे या तो ये नीचे से अटैक करे। ऐसा क्यों, क्या है कि यह प्लेनर फॉर्म कर देगा, जो कि आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं। वेस्पर के जो एक टॉपिक था उसी पे पढ़े होंगे। यह ऊपर अटैक करेगा और ये नीचे, तो जब ये ऊपर अटैक करेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अबव द प्लेन और इसको बिलो द प्लेन। जब ये ऊपर अटैक करेगा तो OH ऊपर आएगा और जो सारी मिथाइल ग्रुप है वो नीचे की तरफ। और उसी तरह जब यह नीचे अटैक करेगा OH, तो जो OH होगा नीचे आ जाएगा, बाकी मिथाइल ग्रुप सब ऊपर। इस तरह से यह टूट जाएगा। हम लोग जानते हैं कि SN1 रिएक्शन में और एक चीज़ होता है, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर होता है कि जैसे कि यहाँ आप देखें कि सारे इधर मिथाइल ग्रुप अटैक किए हैं, और जब यही चीज़ अलग अलग कंपाउंड अटैक करेंगे, जैसे यहाँ मेरा R, यहाँ R डैश, यहाँ R डबल डैश, या OH, तो यह एक जो कार्बन है वह कायरल एटम कहलाएगा। कायरल एटम क्यों, काहे कि यहाँ हम देखेंगे जो कंपाउंड है वह सभी अलग अलग हैं। यहाँ R, यहाँ R डैश है, यहाँ R डबल डैश है, इसीलिए C जो होगा वह कार्बन एटम कहलाएगा, कायरल एटम कहलाएगा। तो इसका जो रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, R R डैश या R डबल डैश और यहाँ OH। इसी तरह जब यह ऊपर की तरफ अटैक करेगा OH, R डैश, R डबल डैश, इस तरह से यह फॉर्म करेगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेशमिक मिक्सचर रिएक्शन। इस प्रकार से मेरा स्टेप 1 और स्टेप 2 रिएक्शन जो है SN1 का मैकेनिज्म है कंप्लीट हुआ। अब SN1 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है इसका ऑर्डर। SN1 और SN2 का ऑर्डर को पहचानना। SN1 और SN2 का ऑर्डर जो होता है फुल्ली डिपेंड होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम पे। जैसे कि हम लिखते हैं ए पॉइंट पे CH3Cl, बी पॉइंट पे CH3CH CH3Cl, सी पॉइंट पे CH3CH3CL। हम इसमें देखेंगे जब इसका कार्बोकेटाइन फॉर्म निकालेंगे तो यह CH3Cl हट जाएगा, सी में प्लस, इसमें Cl हट जाएगा, इसमें प्लस, इसमें भी सी एल हट जाएगा जब कार्बोकेटायन निकालेंगे। तो इस तरह से इसमें प्लस, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो SN1 और SN2 का ऑर्डर होता है वो डिपेंड होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम पे। तो वो हम लोग निकालेंगे कैसे, कि जैसे यहाँ मेरा ये है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना है, एक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम है डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ किसी से भी, तो इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब इसमें देखते हैं कि इसमें दो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ मेरा एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन निकालना है हमको, हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ 3 और यहाँ 3, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ मेरा 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और इसी तरह इसमें आके देखेंगे
कि इसमें मेरा तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, तो इसमें नौ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सबसे SN1 रिएक्शन जो एक्टिविटी हो, मतलब उसका रिएक्टिविटी होगा वह C पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद B पे, उसके बाद A पे, और यह होगा SN1 रिएक्शन पे। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे।